प्रवीण भाई, यूपी में इलेक्शन है, पत्रकार है ना? जी जी, यूपी में इलेक्शन है, आप योगी जी के लिए प्रचार करेंगे या जनता के लिए प्रचार करेंगे? हम किसी के लिए प्रचार नहीं करेंगे, हम किसी के प्रचारक नहीं है, प्रचारक को संघ के पास है, मैं प्रचारक नहीं हूँ। परंतु हाँ, मैं भगवा अब देखते तीसरा भी रुक जाता है तो घूमेंगे, वरना फिर से यूपी में क्या माहौल टफ है। वहां भी ऑफिशियली मैंने कहा है टफ है, मेहनत करेंगे तो जीत जाएंगे, और कॉन्फिडेंस में रहेंगे। और वही जनता है जिन्होंने रायबरेली में इंदिरा गांधी को हराया था, और अननोन परिचित व्यक्ति जिनको कोई रायबरेली नहीं, इसलिए उत्तर प्रदेश उठता है तब बुरी तरह उठता है। अब देखते हैं तीसरा भी रुक जाता है तो घूमेंगे, वरना फिर से यूपी में क्या माहौल टफ है। वहां भी ऑफिशियली मैंने कहा है टफ है, मेहनत करेंगे तो जीत जाएंगे, और कॉन्फिडेंस में रहेंगे। और वही जनता है जिन्होंने रायबरेली में इंदिरा गांधी को हराया था, और अननोन परिचित व्यक्ति जिनको कोई रायबरेली नहीं, इसलिए उत्तर प्रदेश उठता है तब बुरी तरह उठता है। अंग्रेजी में टोटल फर्टिलिटी रेट, और उनके अनुसार भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट 2 हो गया है। उनका सीधा अर्थ के अब भारत की जनसंख्या स्थिर रहेगी। उनका दूसरा अर्थ है कि आज 140 करोड़ है तो 10-20 साल के बाद भी 140 करोड़ रहेगी। यह टोटल फर्टिलिटी रेट का अर्थ है। टोटल फर्टिलिटी रेट ये मेडिकल साइंस, जिनका मैं स्पेशलिस्ट हूँ, उनका ही सब्जेक्ट है। एक पति पत्नी जितने बच्चे पैदा करते, कोई एक करेंगे, दो करेंगे, तीन करेंगे, तो सभी दंपतियों की एवरेज को टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो एक पति पत्नी दो ही बच्चा, बहुत क्रेडिबल कुछ परिवार, और अधिकांश एक ही गांव के लोग हैं वो कहीं। तो आपके पिताजी के समय की अंगड़िया पीढ़ी है, तो आज उनके कुरियर के उद्घाटन में यहाँ मेरा प्रवास था, रहना हुआ कुछ दिन पहले। नमस्कार देशराम, आपके समक्ष उपस्थित माननीय श्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के दीदी, आइए। ऐसी है कि गुजरात में ही एक सिस्टम है, उसको अंगड़िया कहते हैं। करोड़ों रुपयों का पैसे का ट्रांसफर करते हैं, और आपने पैसे दिए, उनका कोई रिसिप्ट कुछ भी एक्नॉलेज नहीं करते हैं। और आज तक एक भी घटना नहीं है कि किसी को पैसे नहीं मिला। कभी अंगड़िया पर लूट हो जाती है करोड़। यह धरती पर प्रवीण तोगड़िया भी नहीं था, और आरएसएस भी नहीं था, तब भी मुगलों की छाती पर पांव रखकर हमने औरंगजेब की कब्र भी यहां खोदी, और मुगल सल्तनत को 1757 में यह महाराष्ट्र के 50,000 योद्धाओं ने मिट्टी में मिलाकर अंतिम मुगल बादशाह को 1757 में गुलाम बनाया था। इसलिए मेरा कहना है कि यह परिवर्तन में थोड़ा बहुत रोल हम सबका है, पर हम पैदा नहीं हुए थे तब भी हिंदू लड़ रहा था, शौर्य बचा रहा था, संघर्ष कर रहा था। उसमें 6 दिसंबर का शौर्य ये 3 मुद्दों में अद्वितीय है। हमें गर्व है बाबरी गिराने पर, गर्व है जहां कहीं मस्जिद थी वहां हमने मंदिर बना दिया, और गर्व है कि ये योगदान में जिंदगी के 32 साल मेरी स्वयं की डॉक्टरी कैरियर करोड़ों रुपया छोड़ने का गर्व है, आनंद है। और मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता ने किया, वह कार्यकर्ता पर मुझे नाज है। वो कैरियर बनाने नहीं निकले, पैसे बनाने के नहीं निकले, ये राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनाने निकले थे। मैं इतना ही कहूँगा, झोपड़ी से राम महल में आ गए, आनंद है।
देश के 1 करोड़ बेघर हिंदुओं को अपना घर मिलेंगे, तब मैं कहूंगा कि राम राज्य आ रहा है। राम मंदिर आंदोलन प्रारंभ से अंत तक में रहा, प्रारंभ से गीत बोलते थे, युग युग से स्वप्न संजोए जो, युग युग से स्वप्न संजोए जो, उनको पूरे कर दिखलाना, फिर राम राज्य है भारत में लाना। राम मंदिर दिख रहा है, राम राज्य कहाँ है? 1 करोड़ बेघर, 19 करोड़ भूखे, किसानों पर 17 करोड़ का कर्ज, इसलिए झोपड़ी से राम जी को महल मिला। 1 करोड़ बेघर हिंदुओं को घर मिलेगा, हम कहेंगे कि राम मंदिर आंदोलन राम राज्य की ओर जा रहा है। राम मंदिर के लिए कुछ लोगों को सत्ता मिली, अच्छी बात है, पर वह राम राज्य भूल ना जाए, लगता है कि भूल गए हैं, भूल ना जाए, तो राम जी की कृपा उन पर और सब पर बनी रहेगी।